नमस्कार, स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसके ऊपर हम क्विक अपडेट आपको देने वाले हैं, लेकिन पहले लोकसभा में कल सुबह 11 बजे स्पीकर के लिए वोटिंग होगी। जगन मोहन की पार्टी ओम बिरला का करेगी समर्थन, सूत्रों के हवाले से खबर। लोकसभा में YSRCP के 4 सांसद हैं। बड़ी खबर आ रही है स्पीकर चुनाव पर, बीजेपी का सांसदों को निर्देश, कल सुबह 10:30 बजे तक लोकसभा पहुंचे सांसद। पार्टी ने सभी सांसदों को लोकसभा में रहने के लिए जारी किया व्हिप। एक और बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस ने भी सांसदों को जारी किया व्हिप, सभी को कल लोकसभा में मौजूद रहने को कहा गया है। समाजवादी पार्टी का निर्देश, 11 बजे से पहले लोकसभा पहुंचे सांसद। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक है, TMC DMK SP RJD के नेता बैठक में शामिल, उम्मीदवारी के बाद भी स्पीकर पद पर दावा छोड़ने को तैयार, सूत्रों के हवाले से खबर है। एक और बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को नहीं मिली राहत, केजरीवाल की जमानत पर रोक बरकरार। हाईकोर्ट ने कहा निचली अदालत ने PMLA की शर्तों को नजरअंदाज किया, और केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। एक और बड़ी खबर, शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठी, अकाली दल वर्किंग कमेटी की कल दोपहर 12 बजे मीटिंग, सुखबीर बादल विरोधी गुट के बैठक से नदारद रहने के आसार। एक और बड़ी खबर आ रही है, मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग केस में ADG रैंक पर मौजूद कैसर खालिद सस्पेंड, कैसर खालिद की इजाजत से ही लगा था होर्डिंग, खालिद ने DG ऑफिस से नहीं ली थी मंजूरी। और स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले दिन 11,000 करोड़ की बोली, कल भी जारी रहेगी स्पेक्ट्रम की नीलामी, स्पेक्ट्रम नीलामी में 3 कंपनियां ले रही हैं हिस्सा। और पूर्व फुटबॉलर भाईचुंग भूटिया ने छोड़ी राजनीति, सिक्किम चुनाव के हार के बाद लिया फैसला, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के वाइस प्रेसिडेंट थे भूटिया। इन सभी खबरों के साथ अब आपको दिखाते हैं कर्टन रेजर में आज कौन कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने है, केन्या की जनता ने अपनी ही संसद क्यों फूंक दी, ये आज की सबसे बड़ी और लीडिंग खबर हम आपको बताने वाले हैं। सरकार ने महंगाई वाला कौन सा इंजेक्शन लगाया कि गृह युद्ध छिड़ गया, एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है। दूसरी खबर, कल 48 साल बाद देश में लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होगा, इंडिया ब्लॉक के पास बहुमत नहीं, फिर वो चुनाव पर क्यों अड़ी है। और तीसरी खबर, आपातकाल के 50 साल, पीएम मोदी ने आज बैक टू बैक 4 ट्वीट, कांग्रेस के संविधान मुद्दे पर पलटवार किया। और चौथी खबर, नीट के नटवर लाल, TV9 के वो खुलासे जो अब तक आपने कहीं नहीं देखे। पांचवी खबर, क्या क्रीमिया पर मंडराते अमेरिकी ड्रोन विनाश लाएंगे, क्या रूस अमेरिका में परमाणु युद्ध की नौबत है। इन सभी खबरों के साथ अब आपको बताते हैं भारत में संसदीय राजनीति आजकल प्रमुख खबर बनी हुई है। 18वीं लोकसभा के सांसदों की शपथ आज लगभग पूरी हो गई, कल स्पीकर चुनने के लिए वोटिंग होगी, ऐसा 48 साल बाद हो रहा है। इन खबरों को लेकर कई रोचक जानकारी और तस्वीरें हमारे पास है, लेकिन पहले आपको दिल्ली से 5000 किलोमीटर दूर केन्या की संसद की खबर बताते हैं। उससे पहले यह तस्वीर देखिए, यह बराक ओबामा की हाफ सिस्टर हैं जो कि केन्या में प्रदर्शन कर रही थी, 7 Days of Rage जिस प्रदर्शन का नाम है, और वहां पर आंसू गैस का यह भी शिकार हुई है। केन्या में आज हिंसा, तोड़फोड़ और हत्या तक हुई है। केन्या की यह हिंसा महंगाई के खिलाफ हुई है, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए हैं तो विरोध करने वाले संसद में घुस गए और हिंसा करने लगे। केन्या की संसद में नया फाइनेंस बिल आ गया है जिसके बाद महंगाई और बढ़ने वाली थी, पिछले कई दिनों से विरोध जारी था, लेकिन इस बिल के पेश होते ही प्रदर्शनकारियों ने संसद पर हमला कर दिया। ये रिपोर्ट आपके सामने, जल रहा है केन्या, संसद में खूनी संग्राम छिड़ा, हजारों उग्र प्रदर्शनकारियों की नैरोबी पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई। संसद के अंदर और बाहर हर ओर से चलने वाली गोलियों की आवाजें सुनाई दी। नैरोबी पुलिस के आंसू गैस के गोले छोड़ती ये तस्वीरें देखी। मंजर ऐसा है जो बताता है कि केन्या में गृह युद्ध के हालात हैं। यहां अपनी ही सरकार से जनता का भरोसा उठ चुका है। केन्या में ऐसा क्या हुआ कि हजारों प्रदर्शनकारी संसद में घुस गए? केन्या में ऐसा क्या हुआ
कि हजारों प्रदर्शनकारियों ने अपनी ही संसद के एक हिस्से को जला डाला। कीनिया में ऐसा क्या हुआ कि आग लगने की घटना के बाद जान बचाने के लिए सभी मंत्री और सांसद संसद से बाहर भाग गए। हम पूरी वजह बताएं उससे पहले ये खास तस्वीर देखिए। कहा जा रहा है कि ये रिश्ते में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की बहन हैं। ये भी प्रदर्शन में शामिल थी, इन्हें भी हिंसा में चोटें आई हैं। तो सीधे तौर पर क्या कहा जाए, महंगाई ने संसद जला दी। किनिया की इस हिंसा में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, कई लोग घायल हैं। इस तोड़फोड़, हिंसा और आगजनी के पीछे सरकार की ओर से पेश हुआ नया वित्त विधेयक बड़ी वजह है, जिसमें अतिरिक्त करों के माध्यम से राजस्व बढ़ाने की योजना है। सरकार अतिरिक्त करों के माध्यम से $2.7 बिलियन जुटाना चाहती है। सरकार ऐसा करके बजट घाटे और उधारी कम करना चाहती है। आज जब ये खबरें लोगों के पास पहुंची तो भीड़ उग्र हो गई। असल में टैक्स में बढ़ोतरी की जानकारी लोगों को कई दिनों से थी, वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे, इसीलिए उसका नाम रखा था 7 Days of Rage। उनकी दलील है कि वो पहले से ही जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर सरकार टैक्स लगाती है तो ब्रेड पर 16% बिक्री कर और खाना पकाने के तेल पर 25% शुल्क लगेगा, जिसके बाद रोटी समेत बुनियादी चीजें महंगी हो जाएंगी। जिस किनिया को कल ही बाइडेन ने नॉन नेटो अलाय का दर्जा दिया, उसकी संसद से जो तस्वीरें आईं उसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। भारत की संसद में जो कल होने वाला है वो ऐतिहासिक है। लोकसभा में स्पीकर चुनने के लिए कल सुबह 11 बजे वोटिंग होगी। आजादी के बाद के भारत के इतिहास में ऐसा तीसरी बार होगा। स्पीकर के लिए पहला चुनाव 15 मई 1952 को हुआ था। तब कांग्रेस उम्मीदवार जीवी मावलंकर विपक्ष के उम्मीदवार शंकर शांताराम मोरे से चुनाव जीते थे। अब इसमें बड़ी दिलचस्प जानकारी है, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये चुनाव जो था बड़ा दिलचस्प था, क्योंकि मावलंकर के पक्ष में 394 वोट पड़े, इतना ही नहीं शांताराम मोरे के पक्ष में 55 वोट आए थे और विपक्षी उम्मीदवार मोरे ने खुद अपना वोट मावलंकर को दिया था। शंकर मोरे ने तब कहा था कि यह संसदीय परंपरा के अनुकूल होगा कि दो उम्मीदवार जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं वो एक दूसरे को वोट दे रहे हैं और मैं इस परंपरा के अनुरूप मावलंकर को वोट देता हूं। दूसरी बार ये मौका 5 जनवरी 1976 को आपातकाल के दौरान आया। तब कांग्रेस सांसद बलिराम भगत ने जनसंघ सदस्य जगन्नाथ राव जोशी को हराया था। और अब तीसरी बार ये मुकाबला एनडीए के ओम बिड़ला और इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के सुरेश के बीच होगा। दोनों ने आज अपना अपना नामांकन दाखिल किया है। दोनों गठबंधन भी अपनी अपनी रणनीति के लिए बैठक कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव की नौबत क्यों आई? असल में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर इंडिया और एनडीए में सहमति नहीं बन पाई है। इंडिया की ओर से डिप्टी स्पीकर पद की मांग थी। सूत्रों से खबर है कि केसी वेणुगोपाल ने राजनाथ सिंह से मुलाकात भी की, कहा था कि अगर स्पीकर पद पर सहमति चाहिए तो डिप्टी स्पीकर परंपरा के तहत विपक्ष को होना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि इसके बाद सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। वहीं सरकार ने जवाब दिया है कि कांग्रेस ने शर्तें थोपने की कोशिश की। अब सवाल है कि इस चुनाव के लिए इंडिया की स्थिति कितनी मजबूत है, क्या उसके आंकड़े हैं, क्या उसके पास आंकड़े मौजूद हैं? पहले आप एनडीए और इंडिया के बीच इसी मुद्दे पर वार पलटवार देखें। पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। आदान प्रदान करके ये पद ये पार्टी ले लो, वो पद ये पार्टी, ऐसा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नहीं कर सकते। कांग्रेस ने अगर नामांकन भराया तो दुख की बात है, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ है। Only file the nomination. It's a party decision, not my decision. You have to. It's a convention in Lok Sabha. So speaker will be in the ruling party, or opposition will be the deputy speaker. Deputy speaker is right for us, but they are not ready to give us. एक पुरानी मानसिकता है कि हम dictate करेंगे terms को. उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें,
फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता। स्पीकर की सीट के लिए अगर ओम बिरला कल स्पीकर चुने जाते हैं तो यह भी एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि बीजेपी से लगातार दूसरी बार एक ही व्यक्ति का स्पीकर चुने जाने का यह पहला मौका होगा। ओम बिरला पहली बार 2014 में कोटा से लोकसभा सांसद बने थे, वो 2019 में दोबारा जीते, उन्हें सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया, 2024 में कोटा से लगातार तीसरी बार सांसद बने और अब वो बीजेपी समर्थित स्पीकर कैंडिडेट हैं। वहीं इंडिया के उम्मीदवार के सुरेश केरल के मेवलीकारा से 8 बार के सांसद हैं, लेकिन उनकी राह इस चुनाव में कितनी मुश्किल है, क्योंकि 543 सदस्यीय लोकसभा में फिलहाल 542 सांसद हैं। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद वायनाड की सीट खाली है। सदन में 293 सांसदों वाले एनडीए को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, वहीं इंडिया के पास 236 सांसद हैं, निर्दलीय समेत अन्य 13 सांसद हैं। अगर ये 13 सांसद इंडिया को वोट दे देते हैं तब भी संख्या 249 रह जाएगी, जबकि चुनाव जीतने के लिए 271 वोटों की आवश्यकता है। इंडिया ये चुनाव तभी जीत सकता है जब एनडीए में शामिल जेडीयू और टीडीपी जैसे दल क्रॉस वोटिंग करें, जबकि दोनों दलों ने आज ही बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के साथ जाने का फैसला किया है। वहीं सूत्रों से खबर यह भी आ रही है कि जगन मोहन की YSRCP भी ओम बिरला का समर्थन करेगी। अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अलायंस पार्टनर TDP है और TDP के खिलाफ है YSRCP, और अगर वो TDP की राह पर चल रही है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है। इंडिया की एक दिक्कत TMC भी है। TMC ने आज कहा कि कांग्रेस ने स्पीकर पर एक तरफा फैसला लिया है। इस बारे में जब राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने जवाब में जय संविधान कहा। कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। टीएमसी का क्या स्टैंड है सर? टीएमसी का क्या? जय संविधान सर। चलिए थैंक यू। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट है, एंटी क्लाइमैक्स है। इंडिया में टीएमसी कांग्रेस के बीच पेच फंसता दिखा तो शाम में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की आवाज पर गठबंधन दलों की बैठक बुलाई गई और इस बैठक से पहले ही टीएमसी को मनाने की कोशिशें तेज हो गई। बाद में खबर आई कि स्पीकर को लेकर कांग्रेस टीएमसी में सहमति बन चुकी है। टीएमसी ने इस बैठक में शामिल होने के लिए डेरिक ओब्रायन एवं कल्याण बैनर्जी को भेजा। आगे क्या रणनीति बनी, हमारे पास इस पर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इंडिया स्पीकर पद की लड़ाई छोड़ने को तैयार है, यह बहुत बड़ी खबर है। सरकार डिप्टी स्पीकर की शर्त मानेगी तो चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। एनसीपी टीएमसी के रुख के बाद गठबंधन के तेवर नरम हुए। गेंद सरकार के पाले में फेंकने की तैयारी है, सूत्रों के हवाले से खबर। कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं। कुमार विक्रांत, ये स्टैंड तो इनका लगभग पहले भी था। जी देखिए, एनसीपी और टीएमसी का बार बार ये कहना था कि उनको उम्मीद थी कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिल जाएगा, ऐसे में लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस समेत तमाम दलों का मानना है कि 1952 में जो चुनाव हुआ वो एक मैसेज था, जब खुद ही विपक्षी उम्मीदवार ने अपना वोट मावलंकर को दे दिया था और 1976 को ज्यादा अहमियत ना दी जाए क्योंकि उस वक्त इमरजेंसी लगी हुई थी। तो यानी आप कह सकते हैं कि स्पीकर के चुनाव जो है वो हुए नहीं है एक तरीके से। तो ऐसे में एक बार फिर टीएमसी और एनसीपी ने जब ये कहा कि ये नहीं होना चाहिए तो कांग्रेस ने कहा है कि अगर नहीं होना है चुनाव तो हम अभी भी अपने उम्मीदवार वापस ले लेंगे अगर डिप्टी स्पीकर के पद को विपक्ष को देने को तैयार हो जाती है सरकार या एनडीए। तो एक नरम रुख दिखाया है कांग्रेस ने और साथ साथ सहयोगी दलों को लेकर के कांग्रेस क्या रुख है वो भी जताने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने। मीटिंग अभी जारी है, अंतिम फैसला कुछ देर में होगा। जी शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। अभी अभी और जानकारी आ रही है और उसके मुताबिक 7 सांसद आज शपथ नहीं ले पाए,
ये सांसद कल स्पीकर के चुनाव में वोटिंग के बाद शपथ लेंगे, लेकिन ये सातों सांसद वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसमें से दो सांसद अभी जेल में हैं। दूसरी खबर जो अभी अभी आई है उसके मुताबिक अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, नगीना से सांसद चंद्रशेखर, शिलोंग से के सांसद रिकी एंड्रयू भी एनडीए उम्मीदवार ओम बिड़ला के समर्थन में वोट कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन के अलावा दूसरी बैठक एनडीए की हुई है। संसद में अमित शाह के दफ्तर में एनडीए सांसदों ने फ्लोर मैनेजमेंट पर रणनीति बनाई है। इस बात पर चर्चा हुई है कि एनडीए की मौजूदा ताकत 293 को कैसे एकजुट रखना है, उसमें किसी तरह की गड़बड़ी ना हो इसका ख्याल रखना होगा। क्योंकि वोटिंग पेपर पर होनी है तो पेपर पर मतदान करते वक्त सांसद गलती ना करें इसका विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से सांसद नए चुनकर आए हैं, ऐसे में गलती की आशंका बनी रहती है। इसके लिए कल सुबह 8 बजे नाश्ते पर नए सिरे से सभी सांसदों से इस बारे में बात होगी। इसके साथ ही 293 प्लस सांसदों को जोड़ने की कवायद भी एनडीए की ओर से की जाएगी। अब यहां एक मसला यह है कि कांग्रेस आखिर डिप्टी स्पीकर पद को लेकर इतना क्यों अड़ गई है। सवाल यह भी है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं क्या वहां उसने डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया है। हमने रिसर्च की तो जो पता चला उसको आपको देखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है और यहां डिप्टी स्पीकर के पद पर कांग्रेस के ही सदस्य हैं। तेलंगाना में अभी कोई डिप्टी स्पीकर नहीं। देश की बात करें तो 1952 से लेकर 1969 तक लोकसभा में डिप्टी स्पीकर कांग्रेस सांसद को ही बनाया गया था। सरकार भी कांग्रेस की ही थी, लेकिन 1971 में केंद्र में जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी तब पहली बार लोकसभा में डिप्टी स्पीकर गैर कांग्रेसी सांसद गिलबर्ट जी स्वेल को बनाया गया। इसके बाद से 2009 तक जिस गठबंधन की सरकार केंद्र में रही तो डिप्टी स्पीकर विपक्षी पार्टी का ही रहा। 2014 में जब मोदी सरकार केंद्र में आई तो डिप्टी स्पीकर का पद गैर एनडीए दल एआईएडीएमके को मिला, जबकि 2019 में डिप्टी स्पीकर किसी को नहीं चुना गया। आज भी लोकसभा में नए सांसदों की शपथ का सिलसिला जारी रहा। राहुल गांधी से लेकर किशोरी लाल शर्मा और ओवैसी तक ने शपथ के बाद मंच से अलग अलग नारे लगाए। राहुल गांधी ने जय संविधान कहा तो ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कह दिया, जिस पर हंगामा मचा। पप्पू यादव ने भी शपथ ली, उन्होंने गले में #रीनीट की तख्ती लटकाई हुई थी। नारेबाजी की तो संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और प्रोटेम स्पीकर ने उन्हें रोका। इसके बाद पप्पू यादव और रिजिजू में हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई। राहुल गांधी जय हिंद जय संविधान। अखिलेश यादव जय हिंद जय संविधान, जय भीम जय समाजवाद। जय भीम जय मीम जय तेलंगाना, तकबीर अल्लाहु अकबर। संविधान जिंदाबाद। माननीय नेताजी अमर रहे। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। पीडीए जिंदाबाद। श्री किशोरी लाल लॉन्ग लिव इंडिया। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रमन जी, जय भारत माता की। रीनीट बिहार विशेष राज्य का दर्जा सीमांचल जिंदाबाद। मानवतावाद जिंदाबाद। धन्यवाद। भीम जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानता हूँ आप बहुत ज़्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं। मैं अकेला लड़ता हूँ। इंडिपेंडेंट MP फॉर द टाइम नॉट टेल मी बहन सो आई टेल मी ये भगवान का नाम नहीं बताइए। जय हिंद जय बांग्ला जय गुजरात। अब बात असुद्दीन ओवैसी पर हुए विवाद की। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने शपथ के बाद नारा लगाया और उसी पर विवाद हो गया। एनडीए सांसदों ने कड़ा विरोध व्यक्त किया, जिसके बाद चेयर पर बैठे राधा मोहन सिंह ने उसे रिकॉर्ड से निकालने का आदेश दिया। तब जाकर सदन में शांति हुई। ओवैसी ने नारा लगाया था जय भीम जय मीम जय तेलंगाना और फिर उन्होंने फिलिस्तीन का नाम ले लिया था। जय भीम जय मीम जय तेलंगाना जय तकबीर अल्लाह अकबर। इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम जय मीम
जय तेलंगाना, जय। ओवैसी के मुताबिक उन्होंने सदन में कुछ भी गलत नहीं कहा। हालांकि ओवैसी के नारे से सियासी गलियारों का तापमान जरूर बढ़ गया है। केंद्र सरकार के मंत्रियों ने ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये बिल्कुल गलत है। ये पार्लियामेंट के रूल्स के मुताबिक ये जो स्लोगन दिया गया ये बिल्कुल ये नाम्स के खिलाफ है। नहीं कहा तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है। अच्छा तो आप कह रहे हैं आपने, अरे सबने क्या क्या कहा वो जो सुन लीजिए ना। हम किसी देश का विरोध और किसी देश से दुश्मनी नहीं है, लेकिन भारत के सदन के अंदर किसी और देश का लेकर के जयकार करना ये मैं सही नहीं मानता हूँ। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में दो दिनों से तीन मुद्दों की गूंज रही है, संविधान, स्पीकर और आपातकाल। 50 साल पहले 25 जून 1975 को आज ही के दिन इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई। आतंकित होने एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ से पहले संसद के बाहर आपातकाल का मुद्दा उठाया था। पीएम मोदी ने इमरजेंसी को संविधान पर लगा काला दाग बताकर कांग्रेस को घेरा था। आज आपातकाल की बरसी पर पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरते हुए बैक टू बैक चार पोस्ट किए। पोस्ट में कैसे उन्होंने कांग्रेस की नीतियों पर प्रहार किया पहले वो देखिए। पीएम मोदी ने पहले पोस्ट में लिखा आपातकाल पर पीएम का पहला पोस्ट। आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। आपातकाल के काले दिन हमें याद दिलाते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और भारत के संविधान को कुचल दिया जिसका हर भारतीय सम्मान करता है। आपातकाल पर पीएम का दूसरा पोस्ट। सत्ता में टिके रहने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर लोकतांत्रिक सिद्धांत को दरकिनार कर देश को जेलखाना बना दिया। जो कभी कांग्रेस से असहमति जताता था उसे पीड़ित किया जाता था। सामाजिक रूप से इस तरह की नीतियां लागू की गई जिससे सबसे कमजोर वर्गों को निशाना बनाया जा सके। आपातकाल पर पीएम का तीसरा पोस्ट। जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई उनको हमारे संविधान के प्रति अपना प्यार जताने का कोई अधिकार नहीं है। ये लोग वही हैं जिन्होंने अनगिनत मौकों पर अनुच्छेद 356 लागू किया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए विधेयक लाया गया, संघवाद को नष्ट किया और संविधान के हर पहलू का उल्लंघन किया। आपातकाल पर पीएम का चौथा पोस्ट। जिस मानसिकता की वजह से आपातकाल लगाया गया वो आज भी उसी पार्टी में जिंदा है जिसने इसे लगाया था। वे अपनी प्रतीकात्मकता के जरिए संविधान के प्रति अपने तिरस्कार को छिपाते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने उनकी इन हरकतों को देखा है और यही वजह है कि उनको बार बार खारिज किया है। पीएम मोदी ने सत्र के पहले दिन कहा था कि लोकतांत्रिक देश में ऐसा फिर कभी नहीं होने दिया जाएगा। देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। इसके अलावा पीएम ने मोदी आर्काइव के पोस्ट को शेयर करते हुए आपातकाल के दौरान अपने संघर्षों को भी साझा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी पोस्ट में इंदिरा और राजीव गांधी दोनों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी को इमरजेंसी के काले दिनों की याद दिलाई। उन्होंने लिखा, कांग्रेस ने एक खास परिवार को सत्ता में बनाए रखने के लिए कई बार हमारे संविधान की भावना को कुचला है। कांग्रेस पार्टी के युवराज ये भूल गए हैं कि उनकी दादी ने आपातकाल लगाया था और उनके पिता श्री राजीव गांधी ने 23 जुलाई 1985 को इस भयावह घटना पर गर्व करते हुए लोकसभा में कहा था कि आपातकाल में कुछ भी गलत नहीं है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हमले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। उन्होंने एक पोस्ट लिखा और उस पोस्ट में लिखा, देश भविष्य की ओर देख रहा है, आप अपनी कमियां छिपाने के लिए अतीत को ही कूदते रहते हैं,
पिछले 10 वर्षों में 140 करोड़ भारतीयों को आपने जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का आभास करवाया है, उसने लोकतंत्र और संविधान को गहरा आघात पहुंचाया है। सोशल मीडिया पर वार पलटवार के बाद आपातकाल की बहस ने सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया। आज भी कांग्रेस पार्टी में भले ही नेतृत्व बदला हो, लेकिन उसका चेहरा बदला हो, लेकिन चरित्र तो उसका आज भी वही है। घोषित इमरजेंसी तो आज है, वो तो उस समय तो कानून के तहत तो उसकी घोषणा होनी चाहिए। रस्सी जल गई है, बल नहीं है। जनता ने नीचे लगा दिया, लेकिन आड़ नहीं गई, आड़ नहीं गई। पार्टी इमरजेंसी जो लगाया था वो ठीक था। कांग्रेस पार्टी वो तो बोलने दो। वैसे आपातकाल के दौरान जो सबसे बड़ी घटना हुई वो संविधान में बदलाव वाली थी। इमरजेंसी के लगभग दो सालों में इंदिरा गांधी ने संविधान में कई संशोधन कर डाले। विरोधी नेता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहने लगे थे। संविधान वाले वो संशोधन कौन से थे जिनको लेकर अब तक इंदिरा गांधी की आलोचना होती है, आपको इस रिपोर्ट में देखना चाहिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 26 जून 1975 की सुबह इंदिरा गांधी ने रेडियो से आपातकाल की घोषणा की। इसके बाद 25 जुलाई 1975 को 38वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसके जरिए न्यायपालिका से इमरजेंसी की समीक्षा का अधिकार छीन लिया गया। फिर दो महीने बाद 39वां संशोधन लाया गया, जो इंदिरा को प्रधानमंत्री बरकरार रखने के लिए था। इस संशोधन के जरिए कोर्ट से प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जांच का अधिकार छीन लिया गया। एक तरीके से न्यायपालिका की शक्तियों में कटौती कर दी गई। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया, जो सबसे विवादित था। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके जरिए मौलिक अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता दी गई। संविधान संशोधन के जरिए 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। आसान शब्दों में कहें तो इस संशोधन के जरिए आम आदमी को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित करने की व्यवस्था कर दी गई। आपातकाल के बाद अब खबर अरविंद केजरीवाल की। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने आज फैसला दे दिया है। निचली अदालत से केजरीवाल को मिली जमानत पर रोक जारी रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, निचली अदालत के फैसले को रद्द करने की ईडी की मांग पर हाईकोर्ट आगे सुनवाई करेगी। यानी अभी अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर यहां पर आपको दिखाई दे रही है, इसको जरा ध्यान से पढ़ें। इसके ऊपर क्विक अपडेट हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होने की। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में निचली अदालत के फैसले पर भी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट जज ने अपने आदेश में इसका जिक्र किया है कि लोअर कोर्ट ने ईडी के तथ्यों और दस्तावेजों पर गौर नहीं किया, पीएमएलए के सेक्शन 45 की शर्तों और सेक्शन 70 पर विचार नहीं किया गया, ट्रायल कोर्ट ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, जमानत पर बहस के लिए ईडी को पर्याप्त मौका देना चाहिए था। हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के की उस टिप्पणी पर भी एतराज जताया, जिसमें जज ने यह कहा था कि इतनी बड़ी फाइल को पढ़ना मुश्किल है। 20 जून को निचली अदालत ने केजरीवाल को बेल दी थी, जिसके खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है, लेकिन आज के फैसले के बाद बयानबाजी फिर शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट को पूर्वाग्रह से ग्रसित बता दिया है। यह खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे, यह बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने ऐलान किया, यानी अब कई कमेटी के मेंबर होंगे राहुल गांधी, सीधे तौर पर अगर यह कहा जाए। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते यह एक चीज है जिसमें कई कमेटी के वो मेंबर होंगे और सीधे सीधे उनका भी ओपिनियन लेना जरूरी होगा। कुमार विक्रांत हमारे साथ है। कुमार विक्रांत, कैसे ये पूरे फैसले पर आए राहुल गांधी, क्योंकि इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि राहुल गांधी मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या हुआ, बताइए इनसाइड स्टोरी। निशांत थोड़ा समय दीजिएगा, मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ।
राहुल गांधी से जब कहा गया तो राहुल गांधी के पास एक बात ये आई कि उनको संगठन की भी बात देखनी है, प्रचार भी करना है, लोकसभा को भी देखना है। लेकिन बात आई 1998 और 1999 की, इतिहास की। 1998 में जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी सीताराम केसरी के बाद, तो उन्होंने शरद पवार को विपक्ष का नेता बनाया। विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार ने पार्टी तो छोड़ दी, एनसीपी का गठन किया। उस वक्त 1999 में सोनिया गांधी जब इलेक्ट हुई पार्टी अध्यक्ष, तो उन्होंने विपक्ष का नेता का पद संभाला और 2004 में कांग्रेस की गठबंधन के साथ सत्ता में वापसी हुई। तो ऐसे ही 2014 और 2019 में अधीर रंजन चौधरी या उसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे रहे, लेकिन इस बार जब नेता प्रतिपक्ष का आंकड़े कांग्रेस के पास आ गए तो बहुत दबाव था राहुल गांधी पर। और अगर आप पिछले तीन दिनों की तस्वीर देखें संसद की, लोकसभा की खासकर, राहुल गांधी आगे वाली सीट में बैठ रहे थे, जिस सीट में लोकसभा का विपक्ष नेता बैठता वहीं पर बैठ रहे थे। और जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने आए तो उन्होंने बाकायदा संविधान की किताब लहराई थी, तो राहुल गांधी लगातार वहां बैठ रहे थे और संकेत दे रहे थे कि वो। मुझे एक बात बताइए कुमार विक्रांत, हमारे दर्शकों को, आम जो हमारा दर्शक है उसको एक चीज समझाइए। अब ये जो फैसला है, इस फैसले के बाद कई सारी कमिटीज में राहुल गांधी होंगे, उनका ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करेगा, नेता प्रतिपक्ष होंगे और वो कमिटीज कई बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स करती है, कई बड़े बड़े फैसले करती है, जिसमें वो सीधे सीधे जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी भी होंगे, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी भी होंगे। बताइए जरा इसके बारे में। देखिए, अगर आप सीबीआई की बात करें, अगर आप सीबीसी की बात करें, ऐसी तमाम जो नियुक्तियां हैं जिनको कि कहा जाता है कि वो अलग है, मतलब उनके ऊपर सरकार का दबाव नहीं है, वो एटोनॉमस है, तो उन चीजों पर जब नियुक्ति की बात आएगी, वहां प्रधानमंत्री के साथ विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी होंगे, कहीं पर सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो होते हैं। हालांकि अगर चुनाव आयोग की बात करें तो वहां पर बदलाव हो गया है, वहां पर केंद्र सरकार के एक मंत्री ही होंगे, लेकिन बाकी जो अहम नियुक्तियां हैं, चाहे सीबीआई की हो, सीबीसी की हो, ऐसी अहम नियुक्तियों में राहुल गांधी वहां मौजूद होंगे, अपना डिसेंट दे सकते हैं, यानी कि विरोध जता सकते हैं या सहमति दे सकते हैं। तो राहुल गांधी ने एक कदम बढ़ाया है और कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि जैसे 1999 में सोनिया गांधी ने पद संभाला था, वैसे ही 2024 में राहुल गांधी ने पद संभाला है। और जो ये कहा जाता था कि राहुल गांधी भाग रहे हैं, पद नहीं लेना चाहते हैं, रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, तो अपने जन्मदिन पर यानी 4 जून के बाद जो 19 जून आया, वहां पर वो दिल्ली में मौजूद थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिले और अब उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद संभाला है। और पिछले 3-4 दिन को आप देखेंगे निशांत, तो वो वहीं बैठ रहे थे, वो उसी सीट पर बैठ रहे थे जो नेता प्रतिपक्ष की सीट है। और प्रधानमंत्री से बार बार वो, जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं तो वो इस संविधान की किताब लहरा रहे हैं, जब कोई और कुछ कर रहा है, फोटो खींच रहा है, तो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, आप लोकसभा के अंदर फोटो मत खींचिए। राहुल गांधी उस भूमिका में आ चुके हैं। और आज सुबह की सबसे बड़ी घटना देखिए कि जब खड़गे से राजनाथ सिंह बात करते हैं, रक्षा मंत्री, तो राहुल गांधी बाहर आके कहते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हमसे कहा गया है कि स्पीकर पद पर समर्थन दीजिए, लेकिन डिप्टी स्पीकर को लेकर हमको आश्वासन नहीं मिला है। तो राहुल गांधी मन बना लिया और अब वो नेता प्रतिपक्ष होंगे। और दिलचस्प होगा मोदी बनाम राहुल की लड़ाई, क्योंकि इस बार राहुल के पीछे 234 सांसद हैं, इस बार राहुल के पीछे कांग्रेस के 99 सांसद हैं जो 44। मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। मणिकम टैगोर इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के सांसद जुड़ चुके हैं। मणिकम जी, ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त का, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उन्होंने ये मान लिया है कि अब वो नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए तैयार हैं और ये खबर आ रही है, आपका पहला रिएक्शन सर? बहुत खुशी का बात है, राहुल गांधी जी लोगों का नेता है, लोगों का सड़क में कांग्रेस का लीड किया है और भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का एक नैरेटिव और बहुत नफरत का खिलाफ एक मूवमेंट खड़ा किया है। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में लीड करना बहुत हिस्टोरिक बात है कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए। हमारे लिए एक बहुत खुशी का दिन है आज, और कल से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी ज्यादा स्ट्रेंथ का साथ हम पार्लियामेंट में लोगों का आवाज के लिए लड़ेंगे। मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूँ, इस फैसले के बाद सदन के अंदर जो कांग्रेस के सांसद हैं उनका जोश कितना हाई रहेगा? 200% तक रहेगा। और हम लोगों का
नेता है राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी किसी पद के पीछे भागते नहीं है। और ये वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी और एमपीज का मीटिंग हुआ था पहले जीतने के बाद 8 तारीख में, उस मीटिंग में हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था राहुल गांधी जी से इस पद का उनका संभालना चाहिए, और लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत इम्पोर्टेंट पोजिशन है, और नया परिस्थिति में राहुल गांधी जी का ये बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय था, और ये नेतृत्व राहुल गांधी जी देश के लिए ये नेतृत्व लेना बहुत इम्पोर्टेंट बात था, ये देश का और ऑपोजिशन का एक आवाज और क्रेडिबल आवाज लीड करना बहुत इम्पोर्टेंट था। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे और ये एक बहुत बड़ा फैसला है, इंडिया गठबंधन की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इसका ऐलान किया है, कई बड़ी कमेटी में राहुल गांधी मौजूद होंगे, उनका वहां पर ओपिनियन जो है वो बड़ा मायने रखेगा, और ये इस वक्त की एक सबसे बड़ी लीड स्टोरी हम आपको बता रहे हैं। वैसे देश की राजनीति में इस वक्त एक और मुद्दा जो सबसे ज्यादा चरम पर है वो है नीट पेपर लीक, और आज इसको लेकर किस तरीके से पप्पू यादव ने सदन में एक हैशटैग लेकर आए थे वो भी हम सब ने देखा। विवाद में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। TV9 भारतवर्ष की पड़ताल में आज फिर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। कल हमने आपको इसी शो में दिखाया था कि कितने फूल प्रूफ तरीके से परीक्षा केंद्रों तक पेपर पहुंचाने का इंतजाम होता है, लेकिन अगर इस पूरे चेन में किसी एक जगह सेंधमारी हो जाए तो पेपर लीक तय है। अब तक की जांच में भी शक यही है कि झारखंड में हजारीबाग में बड़ी लापरवाही हुई। हजारीबाग में कुरियर कंपनी ब्लू डार्ट ने ई रिक्शा से स्टेट बैंक तक नीट के पेपर पहुंचाए थे। ये तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। TV9 संवाददाता विपिन चौबे ने आज इस लूपहोल की पड़ताल की तो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। अब हमें जो पता चला है वो देखिए, स्टेट बैंक तक नीट के पेपर पहुंचाने में 2 घंटे लग गए। लीजिए 2 घंटे, जबकि कूरियर कंपनी के दफ्तर से बैंक का रास्ता सिर्फ 15 मिनट का है। सवाल है कि आखिर 15 मिनट के सफर में 2 घंटे क्यों लग गए? क्या इसी 2 घंटे के दौरान कोई बड़ी गड़बड़ हुई? 2 घंटे के रहस्य से पर्दा उठाती हमारे सहयोगी विपिन चौबे की यह रिपोर्ट। ब्लू डार्ट कूरियर कंपनी ने जिस तरह ई रिक्शा से नीट के पेपर बैंक तक पहुंचाए, हमने उस रास्ते पर सफर करके ये जाना कि आखिर ब्लू डार्ट को बैंक तक जाने में 2 घंटे कैसे लग गए। हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने इसी दफ्तर से एक ई रिक्शा लिया और स्टेट बैंक के लिए रवाना हो गए। मेरी घड़ी में अब लगभग 7 मिनट का वक्त बीत चुका है और 12:31 पर हम चले थे और 12:37 सातवां मिनट चल रहा है हमारा, और 7 मिनट में लगभग 4 किलोमीटर का सफर हमने ई रिक्शा से तय कर लिया है। हमने ठीक वही रास्ता लिया जिस रास्ते ब्लू डॉट नीट के पेपर लेकर बैंक गया था। हजारीबाग के उस भारतीय स्टेट बैंक के ठीक बाहर पहुंच गए हैं जहां पर कुरियर कंपनी ने ये नीट पेपर को यहां पर ड्रॉप ऑफ किया था। मेरी घड़ी में अब 12:45 का वक्त हो रहा है और लगभग 14:14 का वक्त लगा। हमारी पड़ताल में यह साबित हो गया कि कुरियर कंपनी से बैंक की दूरी 15 मिनट की थी, इसलिए सवाल हो रहे हैं कि ब्लू डार्ट को 2 घंटे क्यों लगे। हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने बैंक मैनेजर से बात करनी चाहिए लेकिन बैंक के अंदर कैमरा नहीं ले जाने दिया गया। आपने सुना है कि नीट का पेपर लीक हो गया है, इसी बैंक में कुरियर कंपनी ने दिया था पेपर? हमको कोई पता नहीं। तो हम बैंक के मैनेजर से मिलना चाह रहे हैं, कैमरा लेके अंदर जाना चाह रहे हैं, जा सकते हैं हम? जी नहीं साहब, बोले मतलब कि ठीक है मिलेंगे, वो बोले। मैनेजर वीरेंद्र कुमार के पास गए और हमने ये जानना चाहा कि इस पूरे विवाद में बैंक का पक्ष क्या है। वीरेंद्र कुमार ने साफ कर दिया कि हम ऑथराइज नहीं है इस पूरे मामले में बात करने के लिए, हायर अथॉरिटी आपसे बात करेंगी। बैंक का वर्जन है कि वो इस मामले में जो भी बताना होगा वो जांच एजेंसी को बताएंगे। हम शक के घेरे में चल रहे ब्लू डार्ट के दफ्तर भी गए जिसने ई रिक्शा पर बैंक तक पेपर पहुंचाए थे। ये बताइए वो सीसीटीवी फुटेज आया है? हम यहाँ कहने के लिए नहीं, सीसीटीवी फुटेज आया है। हम वी आर नॉट, यहाँ पर बक्सा जो रांची से आया था वो 2 घंटे तक इसी कुरियर ऑफिस के बाहर पड़ा रहा। ये बताएंगे 2 घंटे तक इसी कुरियर ऑफिस के बाहर पड़ा रहा, ये सही बात है? ये हमें, हम राइट पर्सन नहीं है इस चीज के बारे में बताने के लिए। ठीक है, कुरियर कंपनी से यहाँ से बैंक पहुँचाने में ई रिक्शा का इस्तेमाल किया गया, ये जानकारी नहीं है मुझे। ई रिक्शा वहां तक पहुंचाने में 2 घंटे का वक्त क्यों लगा, ये भी जानकारी। कुरियर कंपनी भी TV9 के सवालों पर टाल मटोल करती रही।
नीट पेपर लीक में हजारीबाग जांच एजेंसी के रडार पर है। हमने हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल से भी बात की, ये स्कूल भी जांच के दायरे में है। जब घपला होता है तो अक्सर जानकारी नहीं होती है, जैसे इन साहब के पास नहीं थी। जब घपला होता है तो अक्सर राइट पर्सन नहीं दिखाई देते हैं, खैर रॉन्ग पर्सन से ही सवाल जवाब करके हम चीजें बता देते हैं। अब तक की जांच के आधार पर नीट पेपर लीक का किंगपिन संजीव मुखिया को माना जा रहा है, उसकी तलाश चल रही है। टीवी 9 संवाददाता कुमार कुंदन ने यह पता लगाया कि आखिर संजीव मुखिया करता क्या है। सब पकड़े गए लेकिन वो कैसे अभी तक फरार। कुमार कुंदन उसके गांव तक गए, तहकीकात में क्या कुछ निकला ये रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक में जिस संजीव मुखिया की एजेंसियों को तलाश है वो नालंदा के एसी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में टेक्निकल असिस्टेंट का काम करता है। हमारी टीम संजीव मुखिया का पता लगाते हुए यहां तक पहुंची। हमने ये जानना चाहा कि अगर वो यहां नहीं है तो संस्थान से छुट्टी लेकर कहीं तो गया होगा, कोई वजह बताई होगी। इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें बताया गया कि 6 मई से संजीव मुखिया इंस्टीट्यूट नहीं आ रहा है, यानी 5 मई को हुई नीट परीक्षा के अगले दिन से वो गायब है। बिना बताए कुछ दिनों तक नहीं आने पर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने संजीव मुखिया को चिट्ठी भेजकर नहीं आने की वजह पूछी। संजीव मुखिया ने इसका जवाब 21 मई को दिया और बताया कि वो बीमार है और उसे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। संजीव मुखिया ने इस चिट्ठी में बताया कि वो 6 जून को ज्वाइन कर लेगा, लेकिन 6 जून के बाद भी संजीव मुखिया दफ्तर नहीं आए। इसके बाद जब 6 जून को मियाद खत्म हुई तो दोबारा एक लेटर भेजा इन्होंने, और उस लेटर में भेजा गया कि आपकी मियाद छुट्टी की जो बात थी वो अभी तक नहीं आई है, तो इस रिमाइंडर लेटर का भी जवाब दें। लेकिन अभी तक संजीव कुमार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। नूरसराय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अधिकारी प्रणय कुमार पंकज ने हमें बताया कि संजीव मुखिया को कोई गंभीर बीमारी नहीं है। नहीं, छुट्टी उट्टी तो कर्मचारी बीच बाच में लेते रहते हैं एज पर नीड, तो इस तरह का कुछ ये नहीं था कि वो किसी बड़े बीमारी से पीड़ित थे या पहले से उनका छुट्टी चलते आ रहा था, इस तरह का कुछ नहीं था। कोई बड़ी और गंभीर बीमारी उनको नहीं, कोई बड़ी मेरे नॉलेज में नहीं। नीट परीक्षा के अगले दिन संजीव मुखिया का अचानक गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये क्रोनोलॉजी बताती है कि दाल में कुछ काला है। तैयारी उसकी पहले से थी, उसने सिर्फ इंस्टीट्यूट को ही अंधेरे में नहीं रखा बल्कि एफआईआर के बाद खुद को फंसता देख उसने 5 जून को ही पटना की कोर्ट का रुख किया और कोर्ट से उसने नो कोहेसिव आदेश ले लिया। इस आदेश के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संजीव मुखिया कितना शातिर है। वैसे नालंदा में हम संजीव मुखिया के गांव भी पहुंचे। लोगों की नजर में वो बहुत बुरा इंसान नहीं, लेकिन इस घटना के बाद वो भी हैरान है। हमारा जानकारी नहीं, कभी कोई जानकारी नहीं। आप लोगों से अच्छे से बात बात करते थे वो? सख्त कानून तो इस पर बनना चाहिए, सख्त कार्रवाई भी होना चाहिए। इन लोग के तो कहिए तो ये जो आदमी जो मर्डर कर देता है उससे बाह के ये अथी है जो मैंने करता है, वो तो एगो के मारता है जान। नीट पेपर लीक का मुख्य आरोपी संजीव मुखिया नालंदा का रहने वाला है, जिसके अच्छे राजनीतिक कनेक्शन है। संजीव मुखिया की पत्नी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है, बेटा शिव MBBS कर चुका है और BSPC लीक मामले में शिव बेऊर जेल में बंद है। और अब न्यूज टॉप 9। पुणे के बार से ड्रग्स का वीडियो वायरल होने के बाद नगर निगम का एक्शन, L3 लिक्विड बार को तोड़ा गया, महाराष्ट्र के CM ने दिया था आदेश। केरल के तिरुवनंतपुरम में 11वीं क्लास की सीटों में कमी को लेकर मुस्लिम यूथ लीग का प्रदर्शन, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। पुणे पोर्च केस में मृत युवक के माता पिता ने महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे से की मुलाकात, शिंदे ने 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी। दिल्ली के मंगोलपुरी में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को डहाने पहुंची पुलिस और MCD की टीम का विरोध, लोगों ने किया पथराव, डिमोलिशन करने गई टीम को वापस लौटना पड़ा। इंदौर में BJP नेता की हत्या के आरोप के घर आरोपी के घर चला बुलडोजर, घर का अवैध हिस्सा गिराया गया, पूरा मकान तोड़ने को लेकर मृतक के रिश्तेदारों ने दिया धरना। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए अच्छी खबर, कटरा से मां वैष्णो देवी मंदिर तक सीधी हेलीकॉप्टर सर्विस की शुरुआत। राजस्थान में शुरू होगा सोने की खदान का काम, देश भर में करीब 22% सोने की आपूर्ति करेगा राजस्थान का बांसवाड़ा जिला।
चंडीगढ़ में गवर्नर हाउस के बाहर लगा शरबत का लंगर। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने खुद लोगों को पिलाया शरबत। सीआरपीएफ कोबरा यूनिट के कांस्टेबल आर विष्णु के घर पहुंचे केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट में गई थी कांस्टेबल आर विष्णु की जान। और आगे देखिए, मॉस्को में मोदी पुतिन मंत्रणा, यूक्रेन युद्ध विराम की घोषणा।